जब आपको आपके एग्जीक्यूटिव ने बोल दिया था कि वहाँ पे 250 लोग आ रहे हैं, फिर आपके जब बोला था, बोला था मेरे फोन में आप देख लो तो मैं उसको मतलब नहीं है। सुन लीजिए, इनसे ऊपर कोई नेता है ना सीएम है, सुन लीजिए कहाँ बोल के क्या करोगे आपने 10 साल से क्या किया आप लोग 10 साल से मैं नहीं था। अरे तुम नहीं तो तुम कब से हो? आपने इस एस्टिमेट में करा क्या सर? आपका बिल्कुल बंद लोगों ने 16 करोड़ भेज दिया, वापस आ गया हो कह रहे हैं तुम लोगों को बिल्कुल बना दिया 16 करोड़ का एस्टिमेट करो, वापस भेज दिया लोग। पता आपकी बात है, पता आपकी नहीं पता ही बात है। आपने तो इन लोगों का फोन आया, सुन लीजिए बात को, मैं सुनिए बात को। इन लोगों ने लिखा कि हम धरने में आ रहे, आपने अपर थप्पड़ में लिख कर भेज दिया। पता आप लोगों को मैंने जवाब दिया, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत में आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में। आज बात करेंगे उस महत्वपूर्ण खबर को लेकर जिस खबर में सिर्फ विभागीय अधिकारियों के नहीं बल्कि नेताओं के भी रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। जी हां, मैं इसको खबर नहीं एक संदेश भी समझता हूं, और संदेश इसलिए क्योंकि पहली बार चक्रता विधानसभा में आम जनमानस ने इस तरीके की जागरूकता का संदेश देने की कोशिश की है। विधानसभा चक्राता में पीडब्ल्यू विभाग के पास खत बिछलाड़ और खत द्वार के उन सैकड़ों जनमानस के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया है, और धरना प्रदर्शन 32 साल से मोटर मार्ग की मांगों को अनसुना करने को लेकर है। और इसी के साथ संदेश साफ है कि अब चक्राता विधानसभा का आम जनमानस इतना जागरूक हो चुका है कि यदि उनके नेता उनकी मांगों को अनसुना करेंगे तो उन्हें उग्र आंदोलन के साथ उन मांगों को पूरा करने का तरीका भी अब अपनाना आता है। जी हां, किस तरीके से चक्राता विधानसभा की खत विस्तार और द्वार के उन युवा साथियों ने विभागीय अधिकारियों के मुंह पर जवाब देना शुरू किया, जिसको लेकर विभागीय अधिकारी टाल मटोल करते हुए दिखे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। कहते हैं हम 24 घंटे यहाँ कार्यरत रहते हैं, लेकिन जब युवाओं ने सवाल किया कि 24 घंटे कार्यरत रहने के बावजूद आप पूरे दिन भर कहाँ थे जो अभी 5 बजे के बाद यहाँ पर उपस्थित हुए, तो विभागीय अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। खैर, खत बिछलाड़ और खत द्वार के युवाओं के द्वारा इस धरना प्रदर्शन में जहाँ 2022 विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी कमलेश भट्ट और युवा नेता कुलदीप चौहान भी मौजूद हुए, तो उनके अलावा समाज सेवी बहुजन समाज पार्टी के नेता भीमदत्त वर्मा भी यहाँ पर उपस्थित दिखे। कमलेश भट्ट ने जहाँ जौनसार भाव की जनता के जागरूक होने का जिक्र किया, भट्ट ने कहा है कि अब जनता नेताओं के कठपुतली बनकर नहीं रह गई है, अब नेताओं को जनता के पास आना पड़ेगा। इसके अलावा कुलदीप चौहान आम जन की समस्याओं से नोकझोंक करते हुए भी विभाग अधिकारी के साथ दिखे। कुलदीप चौहान ने विभाग के अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि आप समय में सक्रिय होते तो आज इन क्षेत्र के आम जनमानस को अपने सारे काम काज छोड़कर यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। इसके अलावा समाज सेवी बहुजन समाज पार्टी के नेता भीमदत्त वर्मा ने कहा है कि 32 साल से यदि समस्या जस के तस बनी हुई है तो इसके लिए क्षेत्रीय नेता सबसे अधिक जिम्मेदार है। भीमदत्त वर्मा ने कहा उसने चाहे बहुजन समाज पार्टी के नेता स्वयं भीमदत्त वर्मा ही क्यों ना हो, हम भी जिम्मेदार हैं, लेकिन आज यदि क्षेत्र की जनता ने इस जागरूकता का परिचय दिया है तो हम उनके साथ खड़े हैं, और जहां तक भी जाना पड़ेगा हम क्षेत्र की जनता के साथ जाने के लिए तैयार हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले जाऊंगा ग्राउंड जीरो पर चक्राता में, जहां हमारे सहयोगी रिपोर्टर शांति प्रसाद ने उस खबर पर अपनी नजर बनाए रखी। और इस धरना प्रदर्शन के दौरान जहां पर कुलदीप चौहान, कमलेश भट्ट, भीमदत्त वर्मा के साथ आम जन की भी हम आपको प्रतिक्रिया सुनाने की कोशिश करेंगे। ऐसी आप इस समय मतलब ड्यूटी तो हमारी 24 घंटे है, तो आप सुबह से कहाँ हैं? 3 तारीख कहाँ थे आप? 24 घंटे क्या जवाब दे सर? खत द्वार और बिछला यहाँ पर जो है मतलब अपनी मांगों को लेकर पहुँचे हैं, क्या बात और क्या मामला है? सर सबसे पहले तो मामला ये है कि हमारे खत द्वार और बिछलाड़ को जोड़ने वाला जो हमारा 16 किलोमीटर का मार्ग है वो 32 साल पहले का बना हुआ है, लेकिन आज भी वो जो रोड नहीं है
सीढ़ीनुमा रास्ता है, जैसे तैसे करके जो है हम अपने वाहन अपने गांव घर तक पहुंचाते हैं, जिसमें कि जो है कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उसी रोड को लेके आज खतद्वार और बिस्लार के भी हमारे सभी सम्मानित लोग, जब हमारे शासन और प्रशासन ने अनसुनी कर दी तो इनके आवाज में का इनके कान में आवाज पहुंचाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप कब से यहाँ बैठे हुए हैं? हम इनको दो महीने पहले इन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि तुम्हारे रोड का काम हो जाएगा, लेकिन दो महीने क्या ढाई महीने तीन महीने हो गए, आज तक कोई काम नहीं हुआ है, कोई हमारे उसमें संज्ञान में ऐसा मामला नहीं आया है कि इन्होंने कोई प्रॉपर तरीके से कार्रवाई की। ये जो रोड है ये लगभग कितने गांव को जोड़ती है और कितनी आबादी है? ये जो गांव है रोड है दो खतों की रोड है, कम से कम नहीं 15 से 18 गांव को ये जोड़ने वाली रोड है, और जनसंख्या जो इसमें कम से कम जो है 4,000-5,000 के आसपास। सर आपका कहना है कि 32 साल से ये रोड बनी हुई है और आज तक ये रोड कच्ची है, और आपने यहाँ पर PWD चकरा के जो अफसर है उनके द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला है? उनके द्वारा भी कोई आश्वासन नहीं मिला है, वो जो भी आते हैं यहाँ 2-4 महीने लगा के निकल जाते हैं, और जो भी आता है वो यही वादा करके जाता है कि रोड बन जाएगी। इस तरीके से 10 से 12 साल तो ऐसे गुजर गए हैं जो कि इस रोड को मुख्यमंत्री घोषणा में रखी गई थी, लेकिन आज हम जब यहाँ धरना देने के लिए आए हैं तो हमारे बीच एक्शन साहब जो है यहाँ पहुँचे हैं अभी, वो भी जब उनके कार्यालय का समय समाप्त हो गया। जी ऐसा है, दो खतों के लोग यहाँ उपस्थित हैं। यदि हम आश्वासन की बात करें तो बड़ा खेद का विषय है कि यहाँ के जो एक्शन साहब हैं उनका कहने का मतलब है कि हमने तो आगे भेज दिया है, स्वीकृति ना मेरे हाथ में, ना मेरे SC के हाथ में, ना मेरे चीफ साहब के हाथ में, ये शासन का मामला है। तो हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा शासन है वो जो 32 सालों तक उसकी नींद से जाग नहीं रहा, और हम चाहते हैं, हम खतों दोनों खतों का कहने का मतलब ये है कि जिस शासन को फाइल रुक जाती है वो शासन हमारे बीच में उपस्थित हो जाए, हमें ये अवगत करा दें कि जब सारे जौनसार बावर पूरा उत्तराखंड पूरे भारत की रोडें बन गई है, हर जगह डांबरीकरण हो गया है, आलबेदर रोड जैसे प्रोजेक्ट उत्तराखंड में भी चल रहे हैं, भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट भारत में चल रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी 16 किलोमीटर की जो ये रोड है उसके लिए पैसा नहीं है, कितना खेद का विषय है। सर ये गडकरी जी कहते हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, कि पैसे की कमी नहीं है लेकिन काम करने वाले चाहिए, तो हम पूछना चाहते हैं, हम गडकरी जी के तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि सर ऐसा क्या हो गया है कि जो 32 साल पुरानी रोड है उसके लिए आपके पास बजट ही नहीं है, आपके विभाग के पास बजट नहीं है, आपके शासन के पास बजट नहीं है, फिर किसके पास बजट है? सर आज तक 32 साल से ये रोड जो कच्ची बनी हुई है और आज जो है आप गुहार जो है गडकरी जी को लगा रहे हैं, इससे पहले क्या आप लोग जो है इस तरीके का धरना प्रदर्शन? सर मैं बताना चाहता हूँ कि 2014 से हम धरना प्रदर्शन कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन खेद का विषय ये है कि हमें समझा दिया जाता है कि हमने फाइल भेज दी आपका काम हो जाएगा, और हम एक साल बाद फिर नींद से जाग जाते हैं विभाग को जगाने, विभाग कहता है कि तब तक एक्शन साहब आते हैं, बोलते जी मैं तब यहाँ रखा हूँ, मैंने एस्टीमेट भेजा अब काम हो जाएगा, ये करते करते 32 साल निकल गई है। ठीक है, अब जो एक्शन साहब आ जा रहे हैं उनका तो इतना हासी पर जवाब है कि ये देखो हमने आज से 10 दिन पहले उनके यहाँ ज्ञापन दिया है कि सर दो खतों के लोग यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, धरना प्रदर्शन करने आ रहे हैं, हमारी ये मांगे हैं, वो बंदा यहाँ टिकता नहीं है। कितना खेद का विषय है कि यहाँ 200-300 लोग आ रखे हैं और यहाँ टिकता नहीं है, 5 बजे हमारे पास आते हैं फिर हमें बोलते हैं हाँ जी आपकी समस्या क्या है, अरे समस्या हमारी आपको पता नहीं, 32 साल से हमारी समस्या है कि रोड का डामरीकरण कर दो, यही हमारी समस्या है, फिर बोलते हैं कि ये तो मेरे बस का भी नहीं है। ठीक है, मेरे बस का नहीं, आप क्यों आए हमारे बीच में? हमारा कहने का मतलब सर एक ही है कि जब तक हमें लिखित रूप में कुछ स्तर से हम आश्वासित नहीं करते हैं हम ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करने वाले हैं, यहाँ तालाबंदी भी करेंगे, ठीक है, और अनिश्चितकालीन के लिए धरना भी करेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। थैंक यू। मैं किसी के बुलाने पे नहीं, मेरी ये सब मेरे अपने लोग हैं, इसी जौनसार का मान नागरिक हूँ और जौनसार के अंदर निवास भी करता हूँ। जौनसार की जिस सड़क की ये बात कर रहे हैं दामापुर से बहरावा वाली जो मोटर मार्ग है, ये 32 साल पहले से निर्मित सड़क है, मैं उस सड़कों पर कई मरतबा जा चुका हूँ, उस सड़क की स्थिति ऐसी है कि वह कई बार पेपर के माध्यम से भी और व्यक्तिगत रूप से जानकारी जो मुझे मिली है वहाँ ऐसे एक्सीडेंट भी हुए हैं जिसमें कई लोगों की जानें भी गई है। सरकार से मेरी शिकायत सिर्फ इतनी है कि हम उस विभाग से मांग करने आए हैं जो विभाग माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा को भी नज़रअंदाज करने का दम रखता है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से एक निवेदन है और अनुरोध है
कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने 32 साल के बाद एक मजबूत इरादे के साथ एक धरने का जो आए प्रयास किया है, इस धरने को सफल बनाने में माननीय मुख्यमंत्री जी आप भी सहयोग करने का काम करें और इस सड़क बनवाने का काम करें। मैं इनकी जो सड़क की जो मांग है, बहुजन समाज पार्टी का पार्टी प्रत्याशी होने के नाते मैं पार्टी के लेवल से भी इस मांग को समर्थन देने का काम करूंगा। अगर इस क्षेत्र की जनता चाहेगी तो निश्चित है कि कल देहरादून के अंदर डीएम कार्यालय में इसकी व्यवस्था बना दी जाएगी। जो लोकसभा चुनाव है इसका साफ यहाँ पे बोर्ड लगा है, आप देख रहे हैं कि इसका बहिष्कार होगा, इतने दुखी है और इतने परेशान है। इसके बारे में आप नेताओं के पास आते हैं तो नेताएं जो है टरका जाते हैं चीज़ को। आज तक 32 साल से जो रोड नहीं बनी है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसके पीछे जो सबसे बड़ा है क्षेत्र के जो नेता हैं, नेतागण है क्षेत्र के, मैं किसी को आरोपित नहीं करना चाहता लेकिन इतना जरूर कहूँगा, जितने भी क्षेत्र के नेता वो चाहे भीमदत्त वर्मा खुद क्यों ना हो, हमारे द्वारा इस तरह की मांग नहीं उठाई गई और हमें इसके लिए बधाई के पात्र यहाँ की जनता जिन्होंने इस मांग को उठाने का काम किया, क्योंकि इस मांग को उठाने की जिम्मेदारी हमारी बनती है जो इस क्षेत्र में राजनीति की बात करते हैं, वो चाहे भीमदत्त वर्मा हो या माननीय विधायक प्रीतम सिंह जी हो या जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान जी हो या सम्मानित हमारे आदरणीय नोटियाल जी हो या मेरे अनुज कमलेश भट्ट जी हैं या कुलदीप भाई, जितने भी हम लोग राजनीति में लोग जुड़े हुए क्षेत्र के प्रधानगण, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है लेकिन एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है इस क्षेत्र के वोटर की, इस क्षेत्र के नागरिक की, जिसके लिए आप सब भी रिस्पॉन्सिबल है कि आपने अपने नेता को चुनने का काम तो किया मगर उनको समझाने का काम नहीं किया। आज आप समझाने का काम कर रहे हैं और उस समझाने के साथ मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मेरी जो आवश्यकता होगी मैं इस मांग में इस क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा हूँ। निश्चित है इनकी मांग जायज है और अगर नहीं जायज है तो सरकार ना माने, अगर ये जायज मांग है इसको मानने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भारत। थैंक यू सर। भट्ट जी, जहाँ कोई नहीं पहुँचता है वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं और जो समस्या किसी से हल नहीं होती है हमने ये चीज़ सैया में देखी है कि आपके द्वारा हो गई और आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो ऐसा लगता है कि शायद इन ग्रामीणों की जो आशाएं हैं उसके अनुरूप शायद क्या पता इनके जो सपने हैं वो भी पूरे हो जाए, क्या कहना है सर? देखिए, ये बड़ा दुख का विषय है, इनकी जो मांग है आप ही लगा लीजिए कि 31 साल से इनका कहना है कि हमने विभागों को एप्लीकेशन दी है और रोड की इनकी मांग है और आप रोड की अगर स्थिति देखेंगे तो ये लोग जान जोखिम में डाल के वहाँ चलने को मजबूर, और इन्होंने कई बार यहाँ पीडब्ल्यूडी कार्यालय में लेकर अधिकारियों से लेकर नेतागणों से लेकर, और ये एक गांव का विषय भी नहीं, 12 गांव, दो दो खतें, इतनी बड़ी आबादी वाले क्षेत्र में भी लोगों को आज तक रोडों की मांगों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जहां एक और भारत G20 कार्यक्रम हो रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतना भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी तरह अगर हम यहां की बात करें तो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि को हमारे माननीय विधायक जी हैं या और अन्य क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि जब हम 31 सालों तक जिन लोगों ने हमें जीता जीता के भेजा है, अगर हम उनके लिए रोड की भी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो और उनसे क्या आशा रमित। आज तक जौनसार पावर में इस तरह की घटनाएं दिखती नहीं थी क्योंकि लोगों पे अपने काम से लेकर फुर्सत नहीं, तो दिन भर आदमी जो ये देखे कृषि करने वाले लोग हैं, सब इन लोगों को कृषि का काम छोड़कर अपने पशुओं को छोड़कर आज यहाँ पीडब्ल्यूडी कार्यालय में आप देखिए धरना देना पड़ रहा है। ये पहली बार हो रहा है जौनसार पावर में, कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है अपने अधिकारों के लिए अपने विकास के लिए इनमें जागरूकता आई है। सर, ऐसा लगता है कि जौनसार जाग गया है। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि अगर इतनी बड़ी आबादी में लोग अपने अधिकारों के लिए आ रहे हैं, वरना जौनसार बावर में लोग क्या जाते थे, एक सुरक्षा दीवार के लिए नेता के पास चक्कर काटते थे, आज लोग नेताओं के पास जाने के लिए कह रहे हैं, लोग कहते हैं नेता हमारे पास आएगा ना। आज इन लोगों की जो बात है, इनका कहना है कि नेता हमारे पास आएगा, हम नहीं जाएंगे उसके पास, हम नहीं जाएंगे उसके पास, ये अधिकार है हमारा, सड़क हमारा अधिकार है, अधिकार है हमारा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मैं आपको बताऊं, त्यूनी में आजादी से लेकर इतना समय हो गया, वहां इंटर कॉलेज है जहां से पढ़े हुए हमारे लोग विधायक बन गए, पीसीएस अधिकारी बन गए, आईएएस अधिकारी बन गए, डॉक्टर बन गए, उस कॉलेज में आज तक बायो सब्जेक्ट नहीं है। वहां भी नर्सिंग कॉलेज खुल रहा है लेकिन नर्सिंग में जो वहां के बच्चों के पास बायो नहीं है तो कहां के बच्चे आएंगे, आप सोचिए किसके लिए खोल रहे हैं। ऐसा विकास जौनसार में चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब लोग जागरूक हो गए, लोग इन चीजों को जान गए, हमने बैकलॉग के लिए इतने धरने दिए, इतने सारे पद हमारे बैकलॉग के आज तक भी फ्रीज हैं,
लेकिन हमारे प्रतिनिधि नहीं बोलते, 5 साल में सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं। सर शासन प्रशासन से क्या मांग? शासन प्रशासन से अभी हमारी एक्शन साहब से भी बात हुई, एक्शन साहब ने एससी साहब से बात करी, और हमारा एक वो है कि हम तब तक संघर्ष करेंगे जब तक हमें कहीं ऐसा ना लगे कि ये बार बार 31 सालों से जो बेवकूफ बनाया जा रहा था, अब ये लोग 31 दिन भी बेवकूफ बनने वाले नहीं। सर एक्शन साहब से क्या आश्वासन मिला? एक्शन साहब ने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, उन्होंने कहा मेरे हाथ में, मेरे अधिकार क्षेत्र में जितना है मैं पूरा प्रयास करूंगा, मैं आप सब लोगों के साथ आश्वस्त हूं। और उन्होंने हमारे सामने एससी को फोन भी किया, और आगे भी हम देखते हैं कि अगर वो नहीं हमारे साथ देते तो हमें उसके फलस्वरूप क्या एक्शन लेना है, क्या आगे रणनीति इन लोगों की होगी, क्योंकि इनकी कमेटी हम तो इनका सहयोग करने आए हैं, तो जैसा इनका निर्णय होगा हम इनके निर्णय के साथ, इनके संघर्षों के साथ हमारे साथ। थैंक यू सर। चौहान जी, PWD चक्रोता में आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मामला है और कितने खत यहाँ पे पहुँचे? देखिए, पिछले 30-32 साल से जिस रोड के लिए द्वार और बिस्लार संघर्ष थी और हमेशा संघर्ष रही, परंतु अब जो है इनके गम का समय जो है खत्म हो गया है, अभी ये उबार बाहर निकल के आ गया है, और एक मत से ये लोग सब लोग पीडब्ल्यूडी चक्राता में आए हैं, और अपने 32 साल से जो इस मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग मांग कर रहे थे अपने सड़क के लिए, वो आज तक किसी भी सरकार के कान में कोई रू नहीं रहेगी लिया जा, अब जनता को सड़क पर और कार्यालयों पर खुद आना पड़ा, जिसकी वजह से आज धरना एक विशाल काय रूप के आप लोग देख रहे हैं, और इसमें पूर्ण रूप से विभागाध्यक्ष और चीफ इंजीनियर और अधीक्षण अभियंता और मुख्यतः एक्शन जो है इस पर दोषी है, जिसने किसी प्रकार की कार्रवाई के लिए अपने आप को बाध्य नहीं समझा। क्या मांग करेंगे सर शासन प्रशासन? मांग सीधी है कि सड़क के लिए जो स्वीकृति है वो तत्काल मिले, और ताकि सब लोग जो है अपना समय यहाँ पर जो दे रहे हैं, ये समय अपना जो है किसी काम धाम पर लगाए, तो ये मांगे कि समय रहते हुए जिस प्रकार से पूर्व में डिले हुआ 32 साल का, वो अब इन लोगों को ना देखना पड़े, इसी तत्काल वर्ष में जो है इनकी स्वीकृति मिल जाए और ये लोग जो आवागमन की स्थिति को सुधार सके। थैंक यू। खासकर फिलहाल इतना ही, आगे लिए बने RDCP न्यूज के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।